Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं कोई उसका गुलाम हूँ जो पहले उसे छोड़ने जाऊँ फिर लेने आऊँ। मॉम मैं घर आई हूँ, आप लोग घर में नहीं है क्या? एक बैड न्यूज है, एडवोकेट अशफाक ने इदरीस अंकल का केस उठा लिया। मॉम जल्दी चले, अली जल्दी आ रहा है। अली क्या हुआ? अली को मुझे रंजे आशना। आए, 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 आए। पुप्पो, क्या आप आज भी डैड की तरफ नहीं जा पाएंगे? बेटा तुम देख रही हो ना कि मुझे मसलसल घबराहट हो रही, दिल बैठा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं कोशिश कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं पुप्पो, अभी आपकी तबीयत ठीक होना ज्यादा जरूरी है, हम बाद में चलेंगे, अभी आप अपना ख्याल रखें। पर पप्पू मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो मॉम और ज़ारा डैड का केस रीओपन करवा रहे हैं, उसके लिए बहुत पैसा लगेगा। हाँ बेटा इन मामलात में तो पैसे लगते ही हैं। अगर आप दे दें वो पैसे। पैसे दो? कौन से पैसे? पप्पो वही पैसे जो आपने डैड से उधार लिए थे। आए, उफ, आए ला। आप ठीक तो हैं? आए, आए बेटा वो पैसे तो हमने उसी वक्त किसी को दे दिए थे, और आजकल आजकल तो हमारा हाथ भी बहुत तंग है, बहुत तंग है। आए, आए। पप्पू मुझे उम्मीद है कि आप और असद अरेंज कर पाएंगे। ठीक ठीक है, देखती हूँ मैं, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूँ? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं जीशान, वो आज सुबह ही घर से निकला है। कैसी बातें कर रहे हो, अगर हमें पता होता तो हम तुम्हें क्यों कॉल करते? ठीक है ऐसा करो, इमरान और सोनू को भी प्लीज कॉल करके पूछ लो। हाँ और मुझे जरूर बता देना। ठीक है क्या हुआ बेटा? जीशान के घर पे भी नहीं तो किसी और दोस्त को फोन कर लो। मॉम मेरे पास उसके जितने दोस्तों के नंबर थे मैं सबको कॉल कर चुकी हूँ। अल्लाह बहुत बेजार किया इस लड़के ने मुझे, पता नहीं कहाँ गया होगा, कहाँ ढूंढे हम इसे। आप फिक्र ना करें मॉम, मैं और पिंकी सर आसपास देख कर। नहीं 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 बच्चा नहीं, मैं अकेले तुम लोगों को नहीं भेज सकती। मॉम हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप घर पर ही रहे, हो सकता है अली आ जाए। लेकिन हम आप फिक्र नहीं करें, बस हम आसपास देखेंगे फिर आ जाएंगे। असद आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको कब से अंदर ढूंढ रही हूँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। असद आपके तो इतने बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, तो क्या आप किसी से उधार नहीं ले सकते? मैंने ताल्लुकात रखे हैं लोगों के साथ, कभी लेन देन नहीं की। तो अब कर लें, देखें मजबूरी में करना पड़ता है, और मुझे पता है कि आपको कोई मना नहीं करेगा। मेरे ख्याल में तुम्हारी अम्मी से बात हो चुकी है, क्या ये काफी नहीं तुम्हारे लिए? हुई है, लेकिन आप मेरे शौहर हैं और उनसे ज्यादा हक मेरा आप पे है।
हमें इस मुश्किल वक्त में डैड का साथ देना होगा। असद, सब काम छोड़कर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा। मैं वेट करूंगी, प्लीज जल्दी करिएगा। अब तो कोई चीज भी घर से चोरी नहीं हुई और ना ही कोई कैश लेके गया। मैं कहाँ गया अली भाई? पता नहीं कहाँ चला गया। इस लड़के ने तो मेरी जिंदगी मुश्किल करके रख दी। वैसे मुझे जिंदगी में परेशानियां कम है और ये उनमें और इजाफा करता जा रहा है। बस अल्लाह से दुआ करो कि जहाँ भी हो खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। पप्पो, इतनी रात हो गई, असद अभी तक नहीं आए और आपने भी अभी तक कुछ अरेंज नहीं किया। बेटा, मैंने जिस जिस से फोन पे बात करनी थी ना कर ली है, लेकिन हर एक ने कोई ना कोई बहाना बनाया, तो मैं क्या करूँगा? पप्पो, फोन पर बात नहीं बनती, लोगों को बुलाना पड़ता है, अपनी मजबूरी बतानी पड़ती है। और आप लोगों के जानने वाले भी तो जमींदार और बागात के मालिक हैं, क्या किसी के पास भी कुछ नहीं है देने को? बेटा, लोगों की जेबों और नियतों को तो हमें नहीं पता ना। पप्पो, इससे मुश्किल वक्त फिर कभी नहीं आएगा। आपको याद है जब हमें जमीन के केस के लिए जरूरत थी पैसों की, तो डैड ने अरेंज करके दिए थे और आज खुद डैड को अपने केस के लिए पैसों की जरूरत है। वो जेल में है पप्पो। इरम, तुम अपने बाप दिए हुए पैसे का ताना दे रही हो मुझे? नहीं पप्पो, मैं ताना नहीं दे रही, मैं तो आपको अपनी परेशानी बता रही हूँ। अगर आज पैसे अरेंज हो जाते तो मैं कल तक उन्हें दे आती। मैंने मॉम और जारा से प्रॉमिस किया है, मैं भी डैड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बेटा, इदरीस तुम्हारा बाप नहीं, मेरा भाई भी है। मुझे भी उसकी फिक्र है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। थैंक गॉड असद आप आ गए। मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, आप अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? क्या हुआ, पैसों का कुछ अरेंज हुआ? मुझे और भी काम थे बाहर, मैं सिर्फ तुम्हारा फोन अटेंड करने के लिए नहीं बैठा। इसके बाप के पैसों ने तो हमारा जीना अजाब कर दिया। किस आवाज से बात कर रहे हो तुम इरम से? तो और किस आवाज से बात करूं? अम्मी, मुझसे अब ये ड्रामेबाजी याओ भगत बर्दाश्त नहीं होती। इस कोइस की हैसियत मालूम होनी चाहिए। क्या वो कह रहे हो? होश में आओ। होश मुझे नहीं, होश इसे करना चाहिए। तुम जानना चाहती हो अपनी हैसियत? तो सुनो, तुम्हारी और मेरी शादी एक शादी नहीं है, एक सौदा था। और इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे बाप से जेज तक नहीं लिया। ताकि वो हमें पाले, खिलाए पिलाए, लेकिन तुम्हारे बाप का तो दिवालिया निकल गया। और जो 2-4 पैसे तुम्हारे पाप ने दिए ना, तुम्हें अब वो भी नहीं मिलने वाले, समझी तुम? चुप कर जाओ। बेटा, ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। तुम यकीन ना करना बेटा, तुम यकीन ना करना मेरा बच्चा।
रिक्शा मत बांट दे। मॉम, खाना गरम कर दिया है, थोड़ा सा खा लें। पिंकी, बेटा आप तो थोड़ा सा खा लो। नहीं आप भी। आधी रात हो गई, अभी तक नहीं आया है, पता नहीं कहाँ परेशान कर रहा हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मॉम, अली ऐसा भी कर सकता है। मॉम, मैंने अली भाई की बुक्स और रजिस्टर चेक किया था, उन्होंने तो पढ़ाई छोड़ दी है। एक साल में उन्होंने रजिस्टर में कोई काम भी नहीं किया। हाँ, मैंने भी देखा था। मॉम, क्राइसिस में तो हम अभी हैं, लेकिन पढ़ाई उसने पहले से छोड़ दी थी। वो हालात की वजह से परेशान नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है। तो कोई और प्रॉब्लम है तो बताए तो सही, शेयर तो करे मुझसे। जब तक बताएगा नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है ना, घर से चोरियां करना, इस तरह रात को देर देर तक घर से गायब रहना। मॉम, मुझे लगता है अली भाई हमसे कुछ छुपा रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, वो हमसे शेयर नहीं कर रहे। और वो प्रॉब्लम उसे घर से नहीं, बाहर से है। सारा, तुमने ही मुझे रोका था, मैं उसे पूछ लेती, उससे तो बता देता वो मुझे, समझ आ जाती कि मसला क्या है उसके साथ। आखिर मॉम, आपने देखा था ना उसने कैसा रिएक्ट किया था, मुझे लगा उसे प्यार से हैंडल करना चाहिए। मुझे क्या पता था कि वो बगैर बताए चला जाएगा। अब जब आ जाएगा तो उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे, वो मेंटली डिस्टर्ब है मां। तो वो वापस तो आ जाए ना, मुझे तो बड़ी टेंशन हो गई है, पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा रात में इस वक्त, खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ये बात है? तो ये है आपकी असलियत जिसे आपने अब तक छुपा के रखा था? आप मेरे डैड की सगी बहन है या सौतेली, जिसकी मेरे डैड सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं? तो अपना गुस्सा कम करोगी और आराम से बैठोगी तब तो समझाऊंगी ना मैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना, क्योंकि मैं अब सब समझ गई हूँ। आप जैसी कोई बहन नहीं होती, कोई बहन अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। मेरे डैड जो आपको दिल और जान से ज्यादा प्यार करते हैं, आपको अपनी माँ समझते हैं, आपने उनके साथ धोखा किया। वो आप तक बाल अंकल से भी बदतर निकली, वो तो दोस्त थे, लेकिन आपने तो बहन होकर उन्हें धोखा दिया है। इरम, हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस लहजे में बात करने की? एहसान फरामोश इंसान के साथ इससे भी बदतर लहजे में बात की जाती है। मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने अपने डैड और फुप्पो की मोहब्बत के खातिर कुर्बानी दी, और इस फुप्पो ने मेरे डैड जैसे इंसान के साथ धोखा किया। चुप, एकदम चुप, इससे आगे कुछ भी बोली ना मैं तुम्हारे बाल पकड़ कर तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगा। गोश के नाखून लो, तुम मेरे भाई की बेटी है, वो जान नहीं मैं जानू। तुमने पहले ही बीच में गलत फहमियां पैदा करके ना इसका दिल दुखाया, अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? ठीक, तो ये भी सुन ले, आपके भाई की बेटी को मैंने कभी अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया, मैं सिर्फ मेहरुन्निसा से प्यार करता हूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, दिमाग खराब हो गया।
पर चिंगारी लगाकर खराब करने में तुले हो। अरे 20 लाख के कर्ज खार हैं, उनकी काया कभी भी पलट सकती है और वो पैसे मांग सकते हैं। मैं इद्रीस के जेल जाने से मायूस नहीं हूँ, वो कभी भी जेल से वापस आ सकता है और फिर से वैसे ही इद्रीस बन सकता है। अरे गरम सर तो सब पे आता है। मैं तो दूर की सोच रही हूँ और तू सब कुछ फना करने पे तुला हुआ है। मुझे रंजे आशनाई दे, ते मुझे रंजे आशनाई दे। बीबी जी आप कहाँ जा रही हैं? मैं इस जहन्नुम से हमेशा हमेशा के लिए निकल कर जा रही हूँ। मैं इस कैदखाने में बहुत नहीं रह सकती। बेगम साहबा, बेगम साहबा, वो इरम भी जा रही हैं, वो अपना सामान भी साथ लेके जा रही हैं। क्या वाकई जा रही? हाँ वो कह रही है मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। असद मैं फिर तुम्हें समझा रही हूँ, जाओ उसे रोक लो, जाओ रोक लो उसे। मुझे कोई सरोकार नहीं है। अरे कैसे सरोकार नहीं है, वो तुम्हारी बीवी है। ए, तुम भी बदनाम होगे, तुम्हारी भी पकड़ी उछलेगी, लोग बातें करेंगे। जाओ उसे कहो कि तुमसे गलती हो गई, झूठ बोल दिया तुमने उसे, में कुछ कह दो, कोई बहाना लगा दो, जाओ रोको उसे, जाओ। मामलात आप खुद संभाले, मैं जा रहा हूँ। असल में तुम्हें कह रही हूँ जाने के लिए। इराम, इराम रुक जाओ बेटा, पागल मत बनो, रुक जाओ। इराम, इराम सुनो तो मेरी बात, रुक जाओ। इराम हट जाए आप मेरे सामने से। नहीं हटूंगी मैं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, हटे सामने से। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, हमारे यहाँ की औरतें इस तरह नहीं जाती हैं। आपके घर की औरतें नहीं जाती होंगी, मैं उनमें से नहीं। इराम, इराम, बोल देखो क्या क्या हुआ इसे। ए मेरो, ये सिटी मायो का फोन आया। क्यों? आना चाहता है रात को। मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। बेटा ये कोई खुशखबरी है? इसे पहले भी हुआ है क्या? बेटा बोलते क्यों नहीं हो, जवाब दो। अरे गुस्सा अपनी जगह है लेकिन पता तो चले कि अचानक हुआ क्या है। पता नहीं पप्पो, अचानक से चक्कर आने लगे, उल्टी हो गई। अचानक? अरे ये तो खुशखबरी है। हाँ ये सब क्या है मेरो, क्या है ये? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, जवाब क्यों नहीं देती? क्या जवाब दूँगा? यही कि तूने ये हद कैसे पार की, और तू उसके बच्चे की माँ क्यों बनी? उसका नहीं, हम दोनों का बच्चा है। दिमाग खराब हो गया तेरा? किस हैसियत से तू अपने आप को उसके बच्चे की माँ समझती है? हैसियत कोई भी हो, उस बच्चे की माँ मैं ही हूँ। नहीं नहीं, कोई निशानी निशानी नहीं है। मैं अभी तुझे डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ और तू अभी इसकी इस निशानी को मिटाएगी। चलो मेरे साथ चल। नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? मैं इस बच्चे को इस दुनिया में इसलिए लाना चाहती हूँ क्योंकि मैं असद के अलावा और किसी की हो ही नहीं सकती। असद मुझे मेरे लिए ना सहे लेकिन इस बच्चे के लिए जरूर अपनाएगा। असद इधर आओ बेटा, इधर। बेटा एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? तुम बाप बनने वाले हो। क्या मैं बाप बनने वाला? हाँ बेटा, इरम के पेट में तुम्हारा बच्चा है। वो हमसे रुक नहीं रही थी,
अल्लाह ने वसीला बनाया, उसके पाँव में बेड़ियां डाल दी। ये गलती मुझसे कैसे हो गई? तू उसे जान छुड़ाना चाह रहा था। अरे कैसे जान छुड़ाने वाले थे दीदी, एक बार बनती है तो बनती है, औरत को बाहर निकालने का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन अम्मी मैं उसके साथ एक पल भी गुजारा नहीं कर सकता। नहीं गुजारा है तो ना करो, लेकिन वो अब तुम्हारे बच्चे की माँ है, अगर तुझे शादी करना चाहते हो तो जरूर करो, मैं कराऊंगी, बताओ। तो ठीक है, करवा दीजिए मेरी मैरून के साथ शादी। तुम फिर से उस डैन का नाम मेरे सामने मत लेना, वो रखेल बनने के लिए है, बीवी बनने के लिए नहीं। हेलो असद, मैं शमशाद हूँ, फौरन आ जाओ। क्या हुआ, खैरियत? खैरियत होती तो मैं तुझे दिन में ना बुलाती, खैरियत नहीं है तो फौरन आ जाओ, जरूरी बात है। अच्छा मैं आ रहा हूँ। असद, असद तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ असद, अभी तो गांव में मिठाइयाँ बांटनी है, खुशियाँ बनानी है, तुम जा कर रहे हो, रुको, बात सुनो मेरी। सुन रहा हूँ मैं? क्या मतलब क्या सुन रहा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। किस बात पे खुश होना चाहिए मुझे? ये कौन सा तरीका है बच्चा? कौन सा तरीका मतलब? कौन सा तरीका होना चाहिए तुम बताओ मुझे। मुझसे पूछे बगैर तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था मैं। ऐसे कैसे तुम किसी की निशानी पाल सकती हो? किसी की निशानी? ये तुम्हारी निशानी है सर, हमारी निशानी है। मैं दुनिया के लिए गाती होंगी लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारा हक है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। और तुम दोनों ने मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंका। मेरो तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम असल से सिर्फ मोहब्बत जताओगी, हदें पार नहीं करोगी। मोहब्बत वजूद का हिस्सा होती है अम्मा, और ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, इसकी तरफ से भी है। लेकिन मोहब्बत की निशानी उस वक्त रखनी चाहिए जब दुनिया उसे कबूल कर सके। तुम्हें ये निशानी फौरन मिटानी होगी। मेरे मिटानी होगी? तुम ऐसा कह भी कैसे सकते? यही बात तो मैं इसको समझाती हूँ, लेकिन इस कमली को कोई बात समझ नहीं आती। पागल तुम दोनों हो गए हो। मोहब्बत की तो बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन उसके नतीजे से डरते हो। अरे अम्मा तो पहले ही हम दोनों का मिलाप नहीं चाहती, लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी। शमशाद बेगम, हमें इस वक्त अकेला छोड़ो। मैं मेरू से अकेले में बात करना चाहता हूं, कोई ना कोई हल निकालेंगे हम। अभी जाओ। Let's go!
मेहरू तुम मौके की मुनासिबत को समझ नहीं रही। अगर ये बच्चा दुनिया में आ गया तो हमारी बदनामी होगी। बदनामी का इतना डर था तो मेरे करीब क्यों आए? मैं इसलिए करीब नहीं आया था कि वक्त से पहले तुम ये कदम उठा लो। मैं चाहता था हम एक अच्छे वक्त का इंतजार करें। और कब आएगा ये अच्छा वक्त? तुम्हें अपनी बीवी से फुर्सत मिलेगी या तुम दुनिया वालों की नजरों का सामना करने की हिम्मत जुटा पाओगे तब लाओगे ना मेरे लिए अच्छा वक्त। मेरू हम निकाह से पहले ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो कर लो निकाह, इंतजार किस बात का? ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है मेरू। मुमकिन नहीं है? क्यों मुमकिन नहीं है? और कब होगा मुमकिन? अगर ये आज मुमकिन नहीं है तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। अगर तुम्हें आज मुझे अपनाने की हिम्मत नहीं है तो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम वादे के पक्के हो, अगर तुम्हारे कॉल ऑफ फेल में सच्चाई है तो तुम इसे आज मुमकिन करके सारी दुनिया के सामने इसका इकरार करोगे। वरना तो तुमसे बड़ा झूठा मक्कार और बेईमान इंसान इस दुनिया में नहीं है। इस बच्चे का फैसला मेरा नहीं तुम्हारा था। मैंने तुम्हें सब्र करने को कहा था ताकि मैं अपनी झंझटों से फारिग होकर तुम्हें अपने घर में एक मुकाम दे सकूं। लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी थी। अब इस निशानी को मिटाओ या रखो, ये मेरा नहीं तुम्हारा दर्द सर है। क्योंकि तुम मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चल नहीं रही हो, समझे तुम? बेटा रुक जाओ, ये पागल पना छोड़ दो, रुक जाओ। क्या समझती हैं आप कि ये बच्चा मेरे पैरों में जंजीरें बांधेगा? इसके लिए मैं यहाँ रुककर आप लोगों की ज़ियाफ़तियाँ सहूंगी? गलत फहमी है आप लोगों की। बेटा ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है, असद का भी है, इस घर का भी है। किसी का नहीं है ये बच्चा, मेरे वजूद में है, सिर्फ मेरा है। और मैं यहाँ रुककर आप जैसे लोगों के साए में से पलने नहीं दूंगी। मैं तुमसे शराफत से पेश आ रही हूँ और तुम सारी हदें पार कर रही हो। मैं तुम्हारी सास नहीं फूफी भी हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं मार भी सकती हूँ और तुम्हारा हाथ पकड़ कर जबरदस्ती ले भी जा सकती हूँ। ठीक कहा आपने, जब आप मेरे डैड की बहन नहीं बन सकी तो मुझे मारने या रोकने का कैसे इख्तियार रख सकती हैं? हाँ, अगर आप एक अच्छी सास होती ना तो आप अपने बेटे को दूसरी औरत के साथ चक्कर चलाने से रोकती। आपने सारी हैसियत खो दी है और अब आपका मुझ पर कोई इख्तियार नहीं। इरम, मुझे सख्त कदम उठाने पे मजबूर मत करो। तो उठाए सब कदम, किसने रोका है आपको? बांधेंगी मुझे, रोकेंगी? पहले भी तो आपने धोखे में बांध कर रखा था और अब खुल्लम खुल्ला बांधेंगी, फर्क क्या पड़ता है? करें आप, आपको जो करना है। देखो बेटा, तुम मेरी बात भी सुनो, सिर्फ असद के कहने पर इस घर सर पर ना उठाओ। तुमने अगर जाना है तुम शौक से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बात भी सुननी होगी। मोमल, ये बैग लेके जाओ, हिरम की बीवी के कमरे में रखो। और बेटा तुम आओ, पांच छह बातें करनी है बस तुमसे, और कुछ नहीं। शाबाश, आओ। साहब, इसको नशे की हालत में हमने पकड़ा है। एक तो नशा करता है, एक सरेआम चोरी। अब तुझे बच्चू पता चलेगा मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं। बंद कर इसे, बंद कर। बैठ इधर, बंद कर दरवाजा प्लीज। मुझे जाने दे यहां से, मैं अंदर चोरी नहीं करूंगा। प्लीज माफ कर दे, जाने दे मुझे यहां से, छोड़ दे।
प्लीज कोई बात सुनना मेरी, जाने दे प्लीज, मुझे छोड़ दे, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा प्लीज। मम थोड़ा आराम कर ले, दो दिन से नहीं सोई, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कैसे आराम करूं, कैसे मुझे सुकून मिलेगा, मेरा बच्चा दो दिन से घर नहीं आया, अल्लाह जाने किस हाल में होगा, कहाँ होगा, पहले तो फिर भी रात को घर आ जाता था, अब तो कुछ पता नहीं उसका। मॉम हम इसके बारे में न्यूज़पेपर में दे सकते हैं ना? पिंकी न्यूज़पेपर में उनके बारे में दिया जाता है बेटा जो खो जाते हैं, अली भाई तो अपनी मर्जी से गए। पर ज़ारा भी उनके बारे में भी तो दिया जा सकता है ना, जो मेंटली अपसेट हो, और अली भाई तो मेंटली अपसेट है। नहीं नहीं बेटा ऐसी बातें नहीं करो, अखबार में देने से बदनामी होती, काश कि मैं पहले ही समझ जाती, उसे किसी साइकाट्रिस्ट के पास ले जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। से दुआ करो कि भाई जहां भी हो खैरियत से, और वो खुद ही घर वापस आ जाए। या अल्लाह पर रहम कर दे, मेरा बच्चा खैरियत से घर वापस आ जाए बस। साहब मां बनने वाली हूं, देख ली अपनी हैसियत, मैंने पहले कहा था ये लोग सिर्फ हमारे हुस्न के शैदाई होते हैं, हमारे जज्बात से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। मोहब्बत भी सोच समझ के की जाती है, देख आगे की जाती है, गद्दी नाली में डुबकी नहीं लगाई जाती। दिल कहां तक तेरी दुहाई दे, दिल कहां तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई।